जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज 26 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। अच्छा, इसके बारे में आज बात की होगी, इसके बारे में देखिए हमेशा ही इस वीडियो पर लगभग समय समय पर बातें होती रहती है, और बातें होती रहनी जरूरी भी है क्योंकि इस स्टॉक में लगातार पिछले कुछ दिनों से तेजी बनी हुई है, और एक छोटा सा स्टॉक जो मल्टीबैगर स्टॉक लगभग बनने की ओर अग्रसर है, बनते ही जा रहा है। तो इसके बारे में जाहिर सी बातें समय समय पर बात होते रहना जरूरी है। इस वीडियो में कवर करेंगे तेजी कहां तक बनी रह सकती है, जो लोग अभी तक इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे कहां पे वो लोग एंट्री करेंगे, क्या लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है, क्वार्टर थ्री के नंबर कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे। चलिए शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करते हैं और हर एक पॉइंट को इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आए, और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। देखेंगे यहाँ पे मैंने एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ, और एम्पावर इंडिया लिमिटेड में देखेंगे तो रेड फ्लैग में ये स्टॉक है। रेड फ्लैग कहने का मतलब जब कोई ये स्टॉक ईएससी में जीएसएम की कैटेगरी में होता है तो कहते हैं उसे रेड फ्लैग में होना। सामान्यतः किसी स्टॉक में जब कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है या नहीं भी हो तो सेबी को सस्पेक्ट होता है तो उसे जांच परख करने के लिए अपने निगरानी में रखता है, तो उसे ईएससी में जीएसएम की कैटेगरी में होना कहते हैं। तो अभी ये जो स्टॉक है ईएसएम की कैटेगरी में है, हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोगों को बाई सेल करने में दिक्कत आ रहा हो, लेकिन आप मंडे के दिन, हर एक सप्ताह में मंडे के दिन जब आप ट्राई करेंगे बाई सेल करने को तो इजिली ये स्टॉक बाई या सेल हो जाएगा यदि आप इसे बाई सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार नया बाउंड्री का हाई बनाते जा रहा है, और अपर सर्किट इस स्टॉक में लगते हुए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपर सर्किट मतलब जो लग रहा है कब तक लगेगा और ये तेजी कितनी ज्यादा बनेगी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत लोग जाकर हाई पर बाई करो और उसके बाद जब इस पर प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक नीचे आने लगे तो वो लोग फंस जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। सभी जानते हैं कि ये जो एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये आईटी प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और आप सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर का भविष्य काफी उज्ज्वल है। ऐसा नहीं कि यदि एक दिन या आज के समय में आईटी सेक्टर में गिरावट हो रही है तो ये स्टॉक भी गिरेगा या फ्यूचर में कभी उठेगा नहीं। जो सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है तो जाहिर सी बात है उसके शेयर प्राइस में तेजी बनेगी ही बनेगी, और यदि सही समय पर सही स्टॉक में देख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो आने वाले समय में मतलब एक उछाल मार सकता है। तो वो उछाल अभी इस स्टॉक में देखने लगा है। यदि हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को समझें तो मार्केट कैप तकरीबन 250 करोड़ के आसपास है, और पेनी स्टॉक होने के बावजूद इसमें देखेंगे तो मार्केट कैप थोड़ा सा वो ठीक नजर आएगा। स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है, जाहिर सी बात है पेनी स्टॉक का पी महंगा होता ही है, लेकिन हम लोग तो खैर चार्ट पर लेवल देख के किसी भी कंपनी के शेयर को उठाते तो हमारे लिए पी कुछ खास मायने नहीं रखता। शेयर प्राइस देखेंगे 2 रुपये 21 पैसे के आसपास से बढ़ने के बाद इतना हो गया, और बुक वैल्यू से अभी भी शेयर प्राइस थोड़ा सा कम है। जिस हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है वो बहुत जल्द इस कंपनी का जो करेंट प्राइस है इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और जो आरओसी है वो थोड़ा सा आपको कम नज़र आएगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जब जब शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा, और कम से कम ये डबल डिजिट में तो होना ही चाहिए, तब जाके इस स्टॉक में मज़ा आएगा। अब हम लोग आ गए हैं एक साल के चांद पर, और यहाँ पे यदि समझें तो आप देखेंगे कंपनी का जो शेयर प्राइस लगातार रॉकेट पर रॉकेट बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे आता है पुल बैक मारता है, थोड़ा सा नीचे आता है फिर पुल बैक मारता है, और लगातार ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही जा रहा है। अब क्या होगा, 2.5 रुपये तक पहुँचने के बाद फिर थोड़ा सा ये पुल बैक मारेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, हो सकता है 2 रुपये के लेवल तक आए, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगा, और उसके बाद इजिली फिर ये आपको 4-5 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। यदि हम लोग पिछले शॉर्ट टर्म में देखें तो आपको कहीं पर भी इस कंपनी का 5 सालों में रेजिस्टेंस नजर नहीं आएगा। पहले स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन से बाहर निकला अप्रैल में ही निकला, अप्रैल 2023 में, उसके बाद से लगातार स्टॉक रॉकेट बना हुआ है। जैसे मैंने बताया 2.5 रुपये तक जाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो जो लोग छूट गए, जो लोग बाई नहीं कर पाए हैं वो जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद थोड़ा सा रजिस्टर करने नीचे आएगा और रजिस्टर के ऊपर नीचे उठने लगेगा तो आप लोग यहीं पे एंट्री लीजिएगा, जो लोग अभी तक एंट्री नहीं कर पाए हैं, और जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि किनको जो छूट गया कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, और जो टारगेट मैंने बताया कम से कम इजिली ये 4-5 रुपये तक आपको जाते हुए शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकते हैं, तो वहाँ तक के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बाकी कंपनी के जैसे मैंने बताया कि क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, क्वार्टर के नंबर आए नहीं हैं, क्योंकि क्वार्टर के नंबर जैसे एक्सपेक्टेड हैं अच्छे आएंगे ये हम लोगों को चीज़ बातें पता लगती है, लेकिन जो मेन होते हैं ना जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको पहले से पता लग जाती है कि किसी कंपनी के क्वार्टर नंबर कैसे आएंगे, जिसकी वजह से भी प्री रैली इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है और शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया, अभी दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आना बाकी है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया था, पिछले क्वार्टर के मुकाबले देख सकते हैं सेल्स काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी इसमें इस स्टॉक में आपको बढ़ते हुए दिखा था। तो अभी बस Q3 के नंबर आने का इंतजार कीजिए, एक बार दिसंबर क्वार्टर का नंबर आ गया और जो कि उम्मीद है कि अच्छा ही आएगा दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, तो उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस और भी तेज़ी से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी का जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कंपनी के पास जो डेब्ट होता है, जो कर्जा होता है, ये इस कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। कई क्वार्टर से कंपनी के पास कर्ज, हाल ये अच्छी बात है कर्ज नहीं है, और जो रिजर्व मतलब जो कैश पैसा होता है वो कंपनी के पास
है। तो एक छोटी सी कंपनी होने के बावजूद इसके पास कोई कर्जा नहीं है, कैश फ्लो की कमी नहीं है और क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर जो कंपनी के आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी का फंडामेंटल मजबूती हो रहा है और फंडामेंटल तो मजबूत हो रहा है, साथ में जो कंपनी का टेक्निकल डाटा है वह भी स्ट्रांग है। तो इस वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का सेक्टर जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वह भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसलिए एम पावर इंडिया लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है, ज़रूरी है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए, नहीं है तो जो लेवल मैंने आपको बताया वहाँ पर आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मन में कोई और भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।